एक दौर था जब मोबाइल और कंप्यूटर चुनिंदा घरों और परिवारों के पास होते थे, लेकिन वर्ष 2014 के बाद भारत ने तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से देश के हर नागरिक के हाथ में मोबाइल फोन है, और वो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। मोबाइल से इंटरनेट तक के इस तकनीकी दौर में साइबर अपराध जैसी गंभीर चुनौती भी सरकार और जनता के सामने आ खड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की साइबर सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है और विभिन्न पहलों के जरिए एक साइबर सक्सेस सोसाइटी के निर्माण की ओर अग्रसर है। इस कड़ी में जनवरी 2020 में गृह मंत्रालय ने देश में साइबर क्राइम पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसका अब तक 13.8 करोड़ से अधिक बार उपयोग किया गया है और 27 लाख से अधिक साइबर क्राइम की शिकायतें इस पर दर्ज की गई हैं। देश में बढ़ती साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1930 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की, जो क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने जैसी कई सुविधाओं और साइबर अपराधों का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 250 से अधिक बैंक एवं वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं। उनके मार्गदर्शन में आज देश के 8 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिला, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित वातावरण विकसित करना है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में हजारों मोबाइल ऐप्स को उतारा गया है। इनमें से कई ऐप्स लोगों के साथ ठगी और फ्रॉड करते थे। केंद्र सरकार ने ऐसे 592 संदिग्ध ऐप्स को बैन करने का ठोस निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए डिजिटल पुलिस सिटीजन सर्विस की शुरुआत की है, जहां एक ही पोर्टल पर गुमशुदा व्यक्ति की खोज, वाहन एनओसी जेनरेट करना और घोषित अपराधियों की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। आज लोगों के बीच साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा संबंधी सुझाव देने के लिए साइबर दोस्त पहल की शुरुआत की गई है। साथ ही हर माह के पहले बुधवार के दिन साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश के चहुंमुखी विकास में साइबर सुरक्षा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं साइबर सुरक्षा के प्रति कटिबद्धता के कारण देश में एक प्रो सिटीजन फ्रेंडली साइबर सुरक्षित परिवेश का निर्माण संभव हो पाया है।